बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैगन रोककर फायरिंग, एक शख्स कत्ल और बाप बेटे समेत चार जख्मी होने पर 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराए के मुताबिक फैसलाबाद सत्याना रोड पर फायरिंग से 45 साल शख्स कत्ल और बाप बेटे समेत चार अफराद को जख्मी करने पर 13 मुलजमों के खिलाफ कत्ल, इकदाम कत्ल और आनत कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 80 गाफ बे के रहायशी असलम वल्द नूर मोहम्मद की जानिब से दर्ज मुकदमे में मौकफ इख्तियार किया कि मेरा भाई शेर मोहम्मद अपने बेटे मोहम्मद तैयब, मोहम्मद ताहिर, अशरफ और जुबैर वगैरह के हमरा सेशन कोर्ट फैसलाबाद में एडिशनल एंड सेशन जज खालिद महमूद की अदालत में पेश होने के लिए अबूरी जमानत मुकदमा नंबर 643/22 गया, जिसे रास्ते में जमजम टेक्सटाइल मिल के करीब मुलजमान गुलाम मुर्तजा, अली हैदर, रिजवान, उमर हसन, गुलाम साबर, मोहम्मद अलियास, इजाज और जवाद वगैरह 13 मुलजमान ने मोटरसाइकिलों पर वैगन नंबर LXC 4352 को रोककर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तैयब मौके पर दम तोड़ गया जबकि दीगर अफराद जख्मी हो गए थे।